नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फार्माफैक्ट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अस्थालिन इनहेलर के बारे में, उसको कैसे यूज़ में किया जाता है, उसके क्या क्या उपयोग हैं, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो कैसे काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं अस्थालिन इनहेलर वो कैसे काम करता है। जब हम अस्थालिन इनहेलर को पंप करते हैं मुँह के माध्यम से, तो उस स्थिति में जो अस्थालिन इनहेलर है वो हमारी श्वास नली को फुला देता है, जिससे कि हमें श्वास लेने में आसानी हो। ये जो अस्थालिन इनहेलर है उसको अस्थमा के पेशेंट होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। जब अस्थमा के पेशेंट ये अस्थालिन इनहेलर का यूज़ करते हैं तो उसको सांस लेने में आसानी होती है। अब हम बात करेंगे अस्थालिन इनहेलर इसको किस तरह से यूज़ में लाया जाता है। ये जो अस्थालिन इनहेलर है इसको यूज़ में लाने की कुछ आपको मैं आज बताऊंगा कैसे इसको यूज़ में लाया जाता है, तो वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं अस्थालिन इनहेलर की, तो वो इनहेलर है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जब हम इस इनहेलर को यहाँ से देखते हैं तो इसमें ये यहाँ पे हमें डोज बताता है। जब इनहेलर एकदम नया होता है तो उसमें 200 डोज होती है, 200 पंप हम उसको कर सकते हैं तब तक वो चलेगा। और जब ये इनहेलर थोड़ा खाली हो जाता है उसमें 120 जितने भी डोज आप कम करते रहोगे उतना डोज वो क्वांटिटी बताएगा। जब ये इनहेलर 40 तक आ जाता है, इसका डोज 40 आ जाता है, तो यहाँ पे एक रेड लाइन बनी हुई होती है, इसमें वो आपको बताती है कि आप नया इनहेलर ले लो, आपके इनहेलर में क्वांटिटी थोड़ी बची है, थोड़े डोज ही बचे हैं, तो आपको इनहेलर नया लेना है। आपके सुविधा के अनुसार आप इनहेलर को नया ले सकते हो। अब इसको किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है, तो ये जो इनहेलर है इसके ऊपर एक कैप लगी होती है, इसको कैप को सबसे पहले ऐसे निकालना है बाहर। उसके पहले जो भी आपके मुंह में जो हवा भरी हुई होती है उसको बाहर निकालना है। और आप इनहेलर सबसे पहले नया लो तो उसमें ये दो ऐसे पकड़ना है उसको इस प्रकार से, और उसमें से दो पंप हवा को पहले बाहर छोड़ देना है। उसके बाद में ये जो इसका हिस्सा है इसको मुंह के अंदर डालना है और होठों से एकदम उसको टाइट बंद करना है। और उसके बाद में जब आप सांस को अंदर लो तो उस समय इसको भी प्रेस करना है। जब आप सांस अंदर लो और इसको प्रेस करो, जिससे कि हमारी जो श्वास नली उसमें अच्छे से पहुंच जाए। एक पंप करो और उसके बाद में अगर आपको और भी ज़रूरत है तो आप 2 मिनट रुके, उसके बाद में इसको और दूसरी बार इसको पंप करें, जिससे कि ये अच्छी तरीके से अपना कार्य कर सके। इसको पकड़ने का जो सही प्रोसेस है, एक अंगूठा है उसको नीचे रखा जाता है और ये दो अंगुलियाँ उसको ऊपर इस तरीके से ये पिस्टन पे रखा जाता है और इसको बाद में प्रेस किया जाता है। ये थी उसके उपयोग की विधि। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।